फ्रेंड्स, इस तरह का प्रॉब्लम हो जैसे कि ट्रांसफार्मर जल जाए तो आप जो है कि खुद घर पे ही बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए फिलिप्स का जो है कि होम थिएटर है। इसमें जो है कि पावर नहीं जा पा रहा है, ऑन नहीं हो रहा है, इसको हम लोग चेक करते हैं। फ्रेंड्स, सामने जो है कि इसका पावर का तार जो है कि लगा चुके हैं, दिख रहा होगा आपको। इसमें जो है कि शॉर्ट लग रहा है, इसके ट्रांसफार्मर को देखते हैं। इधर पावर जो है कि नहीं आ पा रहा है। इसके ट्रांसफार्मर को हम टेस्ट करते हैं खोल करके। फ्रेंड्स, यहाँ जो है कि ये दोनों प्लग का वायर जो है कि शॉर्ट करा के टेस्ट करा गया है कि ये प्लग जो है कि अच्छा है या खराब है। और इसका जो है कि ट्रांसफार्मर लग रहा है कि खराब हो चुका है, जिसके कारण जो है कि ये टेस्ट करा गया है। हम लोग ट्रांसफार्मर को टेस्ट करते हैं। फ्रेंड, ट्रांसफार्मर जो है कि खराब हो चुका है, जिसके वजह से जो है कि ये प्लग शॉर्ट करा करके टेस्ट करा गया है। ये जो है कि ट्रांसफार्मर 12012 है, 3 एम्पेयर का। ये वाला जो है कि हमारा मेन वायर हो गया, जिसपे जो है कि हम करंट का तार जोड़ेंगे। और ये वाला कॉमन हो गया, और ये 12 वोल्ट, फिर ये ग्रीन वाला 12 वोल्ट। फिर इसको अब निकालते हैं हम। ये जो है कि फ्रेंड्स हमारा नया वाला ट्रांसफार्मर है, इसको जो है कि हम लोग डालते हैं इसमें। ये फ्रेंड्स लाल वाला कॉमन, ये हरा वाला हो गया आपको 12 वोल्ट, ये भी हो गया हरा वाला ग्रीन 12 वोल्ट। ये हमारा एसी इनपुट का वायर है रेड वाला। फ्रेंड्स, हम इस वायर पर जो है कि टेप लगा देंगे ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। फ्रेंड्स, अब जो है कि हमारा कनेक्शन जो है कि फाइनल हो चुका है, हम इसको टेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बूफर जो है कि बंद करके फाइनल हो चुका है। अब जो है कि हम लोग इसको टेस्ट करते हैं बजा करके, फिर इसका आवाज आपको सुनाते हैं। Thank you.
रहा ना। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।